नमस्कार और आप देख रहे हैं सीटीयू न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। पीएम मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यहां से 20 किलोमीटर दूर है चीनी सीमा। भारत चीन के बीच बीसवें दौरे की बातचीत हुई, दो दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने को सहमत। बिहार में ट्रेन हादसा, 4 की मौत, 100 घायल। दो फीट तक फटी पटरी, ट्रैक टूटने से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के ड्रिल होने की आशंका। आरएसएस प्रमुख बोले, भारत 5000 साल से सेकुलर है, कहा सारी दुनिया हमारा परिवार है, विविधता में एकता नहीं, एकता ही विविधता है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर एससी में सुनवाई आज, 228 दिन से जेल में है। पिछली तारीख में कोर्ट ने ईडी से पूछा उनके खिलाफ सबूत कहां। शिमला में आज से इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल, स्विट्जरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों के पैराग्लाइडर पहुंचे, 120 पायलट आपस में दिखाएंगे कर्तव्य। दो दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के 4 सफल परीक्षण, इसे भारत रूस ने मिलाकर बनाया। नाटो देश भी दिखा चुके हैं दिलचस्पी। शिवसेना के 56 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई आज, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल ने बदला शेड्यूल, एक दिन पहले बुलाया। केजरीवाल बोले, हमें खत्म करना चाहते हैं पीएम, हमारे खिलाफ 170 से ज्यादा केस, 140 के फैसले हमारे पक्ष में, एक पैसे का घोटाला नहीं। हरियाणा का एक और आईएएस गिरफ्तार, एसडब्ल्यूएससी में महिला डीएम के ट्रांसफर को लिए 3 लाख, अंबाला से पंचकुला तक रेड। हमास से लड़ने विदेशों से लौट रहे इजरायली, इजराइल के रक्षा मंत्री बोले, अब सारे नियम खत्म, गाजा को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देइफ रेफ्यूजी कैंप में जन्मा, बमबारी में पत्नी बच्चों को खोया, 2 साल की प्लानिंग के बाद किया अटैक। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड की पाकिस्तान में हत्या, जैश आतंकी शाहिद लतीफ को सियालकोट में गोली मारी, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था शामिल। महापर्व के बाद भीड़ नियंत्रण के लिए छठ स्पेशल ट्रेन, समस्तीपुर के रास्ते 21 नवंबर से होगा परिचालन, जनरल होंगे सभी 20 बोगी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के रिवॉल्वर का लाइसेंस रद्द, हथियार लेकर अस्पताल परिसर में घूमने का वीडियो हुआ था वायरल, जिला प्रशासन ने भेजा था नोटिस। सपा की लोकसभा की पहली लिस्ट में यादव परिवार, 20 सीटों पर नाम फाइनल, अखिलेश ने कहा नवरात्रि में वीआईपी सीटों पर करेंगे ऐलान। पटना जिला विद्यालय खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन, 16 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होगी प्रतियोगिता, 14 अक्टूबर तक करा सकते हैं खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन। राजकीय आयुर्वेद संस्थान उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के 255 पदों पर निकली भर्ती, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। वर्ल्ड कप में रोहित का 63 गेंदों पर सेंचुरी, इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। तंबाकू ब्रांड के एड पर ट्रोल हो रहे अक्षय कुमार, शाहरुख खान से ऐश्वर्या राय तक विज्ञापनों के चलते मुसीबत में फंस चुके स्टार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सीटीयू न्यूज।